और बबुआ की जिस जोड़ी से बीजेपी सबसे ज्यादा खौफजदा है वो आज से अपनी चुनावी रैलियों का आगाज करने वाली है। यूपी के देवबंद में आज मायावती के साथ साथ अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी मंच साझा करेंगे। मतदान से चार दिन पहले इस रैली का आयोजन कर महागठबंधन के नेता बीजेपी को बड़ी चोट देने की कोशिश करेंगे। ये तीनों दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकेंगे। नए प्रधानमंत्री चुनने के लिए जनता मतदान करने जा रही है, परिणाम अच्छे होंगे। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। आज यूपी के बुआ और बबुआ एक सियासी मंच पर होंगे। अखिलेश और मायावती ने चुनावी बिगुल फूंकने के लिए देवबंद की जमीन चुनी है। एसपी बीएसपी के कार्यकर्ताओं के जोश का ठिकाना नहीं। अखिलेश और मायावती की साझा रैलियों का इंतजार खत्म हो रहा है। कार्यकर्ता गीत गा रहे हैं, अब तो दिल्ली पर कब्जे की लड़ाई है। रैली में मायावती और अखिलेश यादव के साथ साथ आरएलडी के अजीत चौधरी और जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। ये पहली बार होगा कि गठबंधन के तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता एक ही मंच पर होंगे। अखिलेश का दावा है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की ताकत सिर्फ इसी गठबंधन के पास है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी ये मानती है कि ये ही गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी का जमीन पर मुकाबला कर सकता है, और मैं समझता हूँ ये तीनों दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को अकेले नहीं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, उनके भी महामिलावट गठबंधन को। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होने में अब बमुश्किल चार दिन बचे हैं। पहले चरण में 11 अप्रैल को देश भर की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। इस दिन यूपी में पश्चिम की 8 सीटों पर मतदान होगा। ये वो सीटें हैं जहां पर जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। महागठबंधन भी रणनीति के तहत मतदान से ठीक पहले बड़ी रैली कर माहौल बनाने की कोशिश करेगा। देवबंद में नीला और लाल रंग का मंच बनकर लगभग तैयार है। आयोजकों का अनुमान है कि रैली में भारी भीड़ उमड़ेगी, सो तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है, ज्यादा उम्मीद है 5 से 10 लाख, 10 लाख से भी ऊपर आदमी कल मौजूद यहाँ पे इस कार्यक्रम स्थल पर है। इस कार्यक्रम से पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाने वाला है और गठबंधन की लहर कल इस प्रोग्राम से शुरुआत हो जाएगी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीएसपी का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सेंधमारी की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में यही हाल कायम रहा। हालांकि महागठबंधन चुनौती के साथ सामने है। उसका दावा है कि इस बार पश्चिमी यूपी में बीजेपी का डब्बा गोल होगा। देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रेक के लिए नॉनस्टॉप 100 ठीक 8:30 बजे देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।